हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मेरा भी नहाना हो गया है और मैं पूजा भी कर ली हूँ और करके अभी बैठी हूँ चाउमीन खाने। ये सुदीप को मैं दी थी तो उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया, श्लोक ने कंप्लीट कर लिया तो वो छोड़ दिया, तो मैंने खा रही होगी। और मेरा भात चपा दिए है, मैं बन रहा है भात और अभी खा के देखती हूँ क्या बनाना है। चिकन मंगाने दी हूँ तो चिकन आएगा तो उसके बाद चिकन बनाऊंगी। और गाइस, मैं आज आप लोग से शेयर करूंगी मैं चिकन कैसे बनाती हूँ, मेरा रेसिपी आप लोग को शेयर करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों देखो, ये लोग अभी मुझे जिद कर रहा है कि लूडो निकाल के देने के लिए, जो मैं लूडो ये लोग तोड़ चुका है पहले ही, और अभी जिद कर रहा है कि अलमारी से निकाल के दे, तो मैं कहाँ से दूँ आप ही लोग बताएं। इसको मैं पैसा देके भिजाई भी थी ख़रीदने बाहर, तो वहाँ पे भी उस दुकान पे है नहीं, तो मैं बोली कि थोड़ा सा और ठंडा गिरने दो तब लाता है दुकान में, सब दुकान में। तो ये लोग सुनने का एकदम रेडी नहीं है, सबसे ज़्यादा तो यही सुदीप। श्लोक ठीक है, श्लोक समझदार भी है क्योंकि वो बड़ा है, इसी कारण आप ही लोग बताए कि मैं क्या करूँ। ये लोग को इतना बदमाशी करता है ये लोग, हर एक बात का जी एकदम गंदा लड़का बोलेगा, सब गंदा लड़का बोलेगा। हाँ देख रहा है सब, ठीक है सब बोलेगा गंदा लड़का। तो दोस्तों तब तक देखिए ये लोग का पागलगिरी देखते हैं मैं, और मैं खाना बनाना चलती हूँ। आज का ब्लॉग देख दूँगी मेरा, जो चिकन बनाऊँगी कुछ भी बनाऊँगी तो मैं उसका ब्लॉग जरूर दूँगी। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हे गाइस, तो मेरा अभी खाना बन ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और चिकन बन रहा है, एक में थोड़ा सूखा सूखा टाइप का बन रहा है और एक में झोल झोल बन रहा है, तो बन जाएगा। उसके बाद मैं सबको खाना दे दूँगी और खाना देके उसके बाद देखूँगी मैं आगे का क्या ब्लॉग दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं सोच रही थी आज मेरा इयर रिंग का जो कलेक्शन है मैं आप लोगों का शेयर करूँगी, तो अगर ठीक है तो उसको मेरा खाना बन जाए, उसके बाद मेरा हम लोग सबको खिला के उसके बाद मैं अस्थिर से बैठ के मेरा जो इयर रिंग का कलेक्शन है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जरूर, ठीक है। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हे गाइस, तो अभी हम लोग चाय पूरी खा रहे हैं, ये मेरा चाय है, मेरा पूरी है, और यहाँ पे श्लोक और सुदीप ये लोग भी चाय पूरी खा रहे हैं। और अभी बज रहा है घड़ी का 6:35, तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे रात को क्या बनाते हैं खाना, फिर देखते हैं। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और गाइस, मैं अपना इयर रिंग कलेक्शन दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो ब्लॉग चैनल है, मेरा यही है ब्लॉग चैनल, और ये मतलब मेरा ब्लॉग पता नहीं सबको पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं कोई टॉपिक पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो मन में आता है मैं वही दिखाती हूँ, और जो रियल है मैं वही दिखाती हूँ। और मुझे भी शायद उतना अच्छा से एडिट करना नहीं आता है, थंबनेल बनाना नहीं आता है, जितना मैं सीखी हूँ यूट्यूब देखे मैं उतना कोशिश करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है, मतलब कोई जानता ही नहीं है ऐसा यूट्यूब पर, इवन कि मुझे मतलब मना करने में तो सब कोई आगे रहता है कि जो नहीं हाँ भाई कुछ अच्छा चीज़ करे तो उसमें तो मतलब बोलते ना बाधाएँ आते हैं। फिर भी मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसको भी इस चीज़ का मतलब नॉलेज नहीं है, उसका मन में भी यही डर है कि अगर ये कुछ ख़राब है तो वह आगे तक कुछ प्रॉब्लम हो तो। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, अगर आस्ते आस्ते जितना मैं सीखी हूँ कि एक्चुअली ये कुछ ख़राब नहीं है, ये बहुत जन बहुत कोई करता है, तो मेरा ये बहुत शौक था कि मैं अपना यूट्यूब पर एक चैनल होगा। और गाइस देखिए, यूट्यूब का जो चैनल कोई भी करता है, तो अगर कोई बोलेगा कि इसे नहीं मुझे मैं मतलब पैसा अर्न करने के लिए नहीं की हूँ, तो शायद पता नहीं कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन सच में पैसा से बड़ा है एक इमेज, मतलब एक फेम। तो अगर मैं वो फेम वो मुकाम तक मैं पहुँच जाऊँगी तो आगे अगर भगवान चाहते हैं तो मुझे बहुत आगे बढ़ाए, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद अगर दीजिएगा तो मुझे भी बहुत आगे मैं भी जा सकती हूँ। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मेरा ब्लॉग में मेरा वीडियो में शायद आप लोगों को कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या दिखा रहा है,
क्या, लेकिन जितना मैं जानती हूँ और जितना मैं सीखी हूँ मैं कोशिश करती हूँ उतना आप लोगों को दिखाते हुए। अगर जो कोई भी मेरा सब्सक्राइबर है कोई और कोई भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो लोग को पूरा अच्छा से पता है तो आपको पता ही होगा, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में आके, मुझे बताइएगा कैसे क्या किया जाता है, कौन टॉपिक पर बनाया जाता है, तो मेरा बहुत हेल्प होगा। तब तक और ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए मैं यही बोलूँगी कि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत कोई ऐसा है, आज मैं बोल रही हूँ इसीलिए मैं इतना दिन से नहीं बोली थी, आज मैं यही बोल रही थी कि बहुत कोई ऐसा है मेरा वीडियो पे शॉर्ट वीडियो पे कमेंट करते हैं बहुत गलत गलत, मतलब पता नहीं शायद वो लोग को ख़राब लगता होगा मेरा वीडियो, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे उतना अच्छा से आता नहीं है एडिट करना थंबनेल लगाना, जैसे मैं सीखी हूँ आस्ते आस्ते सीख रही हूँ, मैं वही बनाती हूँ वही करती हूँ। और मेरा जो डेली लाइफ स्टाइल है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर बाहर भी नहीं जाती हूँ ऐसा कुछ, और जब जाती हूँ तो आप लोगों को जरूर मैं शेयर करती हूँ कहाँ कहाँ गई हूँ, तो प्लीज़ गलत कमेंट मत किया कीजिए। और मेरा शॉर्ट वीडियो पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सॉन्ग पर वीडियो बनाती हूँ, यही बोलूँगी कि गलत गलत कमेंट मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरा शॉर्ट वीडियो। मैं जैसे देखिए मुझे उतना, मैं तो सीखी नहीं ना हूँ, मैं भी देख के ही सीखी हूँ, तो जितना लिपसिंग करती हूँ मैं शायद पसंद नहीं आए, चाहे मेरा वीडियो भी पसंद ना आए आप लोगों को, तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिए मुझे अच्छा नहीं। और गाइस मैं अपना ईयरिंग कलेक्शन दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो ब्लॉग चैनल है, मेरा यही है ब्लॉग चैनल, और ये मतलब मेरा ब्लॉग पता नहीं सबको पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं कोई टॉपिक पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो मन में आता है मैं वही दिखाती हूँ, और जो रियल है मैं वही दिखाती हूँ। और मुझे भी शायद उतना अच्छा से एडिट करना नहीं आता है, थंबनेल बनाना नहीं आता है, जितना मैं सीखी हूँ यूट्यूब देखे मैं उतना कोशिश करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात है कि मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है, मतलब कोई जानता ही नहीं है ऐसा यूट्यूब पे, इवन कि मुझे मतलब मना करने में तो सब कोई आगे रहता है कि नहीं हाँ कोई कुछ अच्छा चीज़ करे तो उसमें तो मतलब बोलते ना बाधाएँ आते हैं, फिर भी मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसको भी इस चीज़ का मतलब नॉलेज नहीं है, उसका मन में भी यही डर है कि अगर ये कुछ ख़राब है तो आगे तक कुछ प्रॉब्लम हो तो, लेकिन जितना मैं जानती हूँ अगर आस्ते आस्ते जितना मैं सीखी हूँ कि एक्चुअली ये कुछ ख़राब नहीं है, ये बहुत जन बहुत कोई करता है, तो मेरा ये बहुत शौक़ था कि मैं अपना यूट्यूब पर एक चैनल होगा। और गाइस देखिए यूट्यूब का जो चैनल कोई भी करता है, तो अगर कोई बोलेगा कि इसे नहीं मुझे मैं मतलब पैसा अर्न करने के लिए नहीं की हूँ, तो शायद पता नहीं कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन सच में पैसा से बड़ा है एक इमेज, मतलब एक फेम, तो अगर मैं वो फेम वो मुकाम तक मैं पहुँच जाऊँगी तो आगे अगर भगवान चाहते हैं तो मुझे बहुत आगे बढ़ाए, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद अगर दीजिएगा तो मुझे भी बहुत आगे मैं भी जा सकती हूँ। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मेरा ब्लॉग में मेरा वीडियो में शायद आप लोगों को कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या दिखा रहा है क्या, लेकिन जितना मैं जानती हूँ और जितना मैं सीखी हूँ मैं कोशिश करती हूँ उतना आप लोगों को दिखाते हुए। अगर जो कोई भी मेरा सब्सक्राइबर है कोई और कोई भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो लोग को पूरा अच्छा से पता है तो आपको पता ही होगा, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके, मुझे बताइएगा कैसे क्या किया जाता है, कौन टॉपिक पर बनाया जाता है, तो मेरा बहुत हेल्प होगा। तब तक और ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए मैं यही बोलूँगी कि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत कोई ऐसा है, आज मैं बोल रही हूँ इसीलिए मैं इतना दिन से नहीं बोली थी, आज मैं यही बोल रही थी कि बहुत कोई ऐसा है मेरा वीडियो पे शॉर्ट वीडियो पे कमेंट करते हैं बहुत गलत गलत, मतलब पता नहीं शायद वो लोग को ख़राब लगता होगा मेरा वीडियो, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे उतना अच्छा से आता नहीं है एडिट करना थंबनेल लगाना, जैसे मैं सीखी हूँ आस्ते आस्ते सीख रही हूँ, मैं वही बनाती हूँ वही करती हूँ। और मेरा जो डेली लाइफ स्टाइल है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर बाहर भी नहीं जाती हूँ ऐसा कुछ, और जब जाती हूँ तो आप लोगों को जरूर मैं शेयर करती हूँ कहाँ कहाँ गई हूँ, तो प्लीज़ गलत कमेंट मत किया कीजिए। और मेरा शॉर्ट, हे
गाइस, तो आप लोग मेरा मेकअप का जो मेरा ड्रेसिंग जो मैं सजाती हूँ आप लोग वो देखिए। ये मेरा ऊपर वाला फ्लोर है ड्रेसिंग का, स्पेन एंड पॉलिश है, जितना मेकअप मतलब फेस का मेकअप का जितना है इसमें हम सब रखते हैं। और इसमें है बैंगल्स, चूड़ी वगैरह, फिर नेल्स वगैरह और बाकी सब। और इसमें जितना शैम्पू, फेस वॉश, सीरम, ऑयल ये सब इसमें रखती हूँ। और नीचे वाला में देखिए ये थोड़ा कंघी वगैरह, सिंदूर वगैरह ऐसा रखती हूँ। तो मेरा पूरा ये व्यू देखिए आप। और ये मेरा बेटा का बर्थडे में टेडी उसको मिला था शुदीप को। और ये जो लाइट गाइस मैं ये आप लोगों को दिखाई थी ना कि ये मैं 50 रुपीस में ली हूँ इसका, ये देखिए ये ऐसे है। तो मैं ये दिवाली के लिए लेके आई हूँ, इसको मैं रख देती हूँ ऊपर। तो ये 100 रुपीज़ में 2 पीस ली हूँ। ये 150 मांगा था 150 रुपया, तो मैं 100 में 2 पीस ली हूँ। और ये मेरा ऊपर 100 पीस वगैरह है। ये मेरा वैलेंटाइन डे में मैं हस्बैंड मुझे गिफ्ट किया था, और ये जो गिटार है मैंने उनको गिफ्ट की थी, और ये गुलाब वो मुझे गिफ्ट किया था, और एक दिल टाइप का है वो मैं अलमारी के अंदर रखी हूँ। तो ये मेरा ड्रेसिंग का पूरा व्यूज देखिए गाइस, और मेरा ड्रेसिंग देखिए। ये ड्रेसिंग का ये है, मैं कैमरा में आ जाऊँगी इसलिए मैं दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे इयररिंग का कलेक्शन आप लोग देखिए गाइस। मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को, ये है बॉम्बे सेविंग्स कंपनी का फेस रेजर। तो ये मैं बहुत दिन पहले, आई थिंक हो गया है 2-3 मंथ पहले मैं ये ऑर्डर की थी। ये मैं ऑर्डर की थी शायद फ्लिपकार्ट से। और इसमें 3 रहता है, जो 3 दिया हुआ है 3 फेस रेजर रहता है गाइस। ये भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा है मतलब इसको यूज़ करने होगा ठीक तरीक़ा से। तो बाबाई तो इसको यूज़ करने होगा ठीक तरीक़ा से, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और इसको कोई भी रेज़र आप लोग जो फेस रेज़र यूज़ करते हो, यूज़ करने से पहले अच्छा से कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कीजिएगा, मतलब ऑयली जेल, मॉइस्चराइजर क्रीम से अच्छा है मैं यही बोलूँगी। एलोवेरा जेल आप लोग यूज़ कीजिए पूरा फेस पे अच्छा से, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाइए। और इसको अच्छा से ऐसे मैं दिखाती हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। मैं एक्चुअली 2 यूज़ कर चुकी हूँ, और ज़्यादा दिन तक ना करे तो ही ठीक है। ये नया है पूरा, मैं दिखाती हूँ। उसका ऐसा कैप टाइप का रहता है, उसको गर्ट करने के लिए ऐसे इसको लगा के रखना पड़ता है। और कभी भी आप लोग यूज़ कीजिएगा तो ये स्किन को ऐसे ऊपर की तरह ऐसे इसको पूरा टान करके इसको ऐसे ऐसे कर कीजिएगा पूरा फेस पे ऐसे। कभी ऐसे 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 मत कीजिएगा, पूरा फेस पे ऐसे ऐसे कीजिएगा, नहीं तो कट लग सकता है, क्योंकि इसका जो ब्लेड है बहुत ही धार होता है उसमें। और ये रहा मेरा, ये 2 मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये लास्ट है एक तो। तो ये एक है। और गाइस एक सबसे अच्छा, और गाइस सबसे अच्छा है ये नेल रिमूवर देखिए गाइस, ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है। ये कोई मतलब कुछ लोकल कंपनी का ये है, लोकल मतलब ये एक्चुअली रिलायंस डिजिटल जो होता है रिलायंस ट्रेंड से मैं ली हूँ। तो इसका लिया था प्राइस 100 इसका गाइस, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, इसका अंदर ऐसा रहता है। अच्छा इसका रिमूवर बड़ी गिर गया, तो इसका अंदर स्पॉन्ज टाइप का रहता है, उसमें पूरा नेल रिमूवर रहता है, और स्पॉन्ज के बीच में एक होल टाइप का रहता है। आप जस्ट उसमें उंगली ऐसा डैप कीजिए, ऐसे 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 से घुराइए, आपका नेल पॉलिश रिमूव हो जाएगा। वो कॉटन से फिर वो टिश्यू से नहीं करना पड़ता, इसको अंदर ऐसे 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 घुराइएगा अपने रिमूव हो जाएगा। तो गाइस ये 2 चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी अपना इयररिंग कलेक्शन दिखाती हूँ। ये एक सेट है, मैं इसको खोल नहीं रही हूँ। ये एक्चुअली मैं ली थी दशमी के दिन पहनने के लिए, जो बंगाली लुक जो होता है उस पर पहनने के लिए। चिक टाइप का है, इसको जोकर बोलता है। तो ये ली थी, इस पर ये छोटा छोटा इयर रिंग है, अभी नया ही है, मैं इसको खोली नहीं हूँ, ऐसी ही है। अब
गाइस आप लोग मेरा ये वाला इयर रिंग तो आप लोग देखे ही है, जो जिस दिन मैं खरीद के लेके आई थी मैं ब्लॉग दी थी 30 रुपीज़ में। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छा है। ये एक इयर रिंग है। और गाइस आप लोग मेरा जो इयर रिंग देख रहे हैं इसमें कौन सा इयर रिंग अच्छा लगा आप लोगों को कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन सा इयर रिंग मतलब प्राइस ज़्यादा है, प्राइस मैं सबका प्राइस तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत पहले का भी कुछ कुछ खरीदा हुआ है जो मैं अभी तक यूज़ नहीं की हूँ। तो गाइस कौन सा इयर रिंग अच्छा लगा आप लोगों को तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। और मेरा फेस पे कौन सा अच्छा लगेगा इयर रिंग आप लोग वो भी कॉमेंट कीजिएगा। तो गाइस ये भी एक, ये बहुत पहले ही उठा था, ये मैं बहुत पहले ली थी। ये भी एक गला का झुमका टाइप का, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे ये कलर ब्लैक में, मल्टी कलर में भी था उस टाइम, मल्टी कलर भी था ना। अभी ये बहुत थोड़ा ओल्ड हो गया है लेकिन बहुत कई पहनते हैं, तो मैं ब्लैक इसलिए ली थी क्योंकि सब मैं पहन सकती हूँ। तो ये एक है गाइस, ये एक इयर रिंग है, इसका कुछ राज है, इसका कुछ हिस्ट्री है। ये जो इयर रिंग है ये मेरे बड़े वाले बेटे लोग वो गया था, वो लोग मेला गया था, ठीक है, मेरी और भी जो भगनी लोग हैं वो लोग के साथ वो लोग मेला गया था, मैं नहीं गई थी। तो मैं उसको 200 रुपीज़ दी थी कि उन लोग को कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद सकता है, खा सकता है। तो वो क्या किया था, वहाँ पे जाके अपना छोटे वाले भाई को, आई मीन सुदीप को, 2 खिलौना ख़रीद के दिया था और ख़ुद 1 खिलौना लिया था और मेरे लिए ये इयर रिंग लेके आया था ख़रीद के। तो दोस्तों ये इयर रिंग कितना, मुझे तो बहुत 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 ही पसंद है। मेरा जितना भी सारा इयर रिंग है मुझे सबसे ज़्यादा ये इयर रिंग पसंद है, एकदम न्यू है, मैं अभी तक पहनी नहीं हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये इयर रिंग और मेरा श्लोक का जो ये आइडिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं श्लोक को, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं श्लोक को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। ये एक है और गाइस ये भी एक है, ये मैं दुर्गा पूजा का टाइम में ली थी, ये मुझे बहुत पसंद है। एक ये मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, ये ऐसा आएगा मेरा, ये मैं पहनी हूँ दुर्गा पूजा में, एक ही दिन पहनी थी। तो एक ये है गला का सेट है ये, तो इस पर छोटा छोटा इयर रिंग गया था, ये वाला, ये ऐसा छोटा। मुझे ज़्यादा बड़ा इयर रिंग मैं पहनती नहीं हूँ, ले लेती हूँ लेकिन मैं पहनने नहीं पाती हूँ, मैं इसको बाद में ग्रैब करूँगी, मैं रखती हूँ। और एक ये इयर रिंग है, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, वाइट कलर में है, इसका भी समथिंग 80 रुपीज़ कुछ लिया था। ये 1 साल हो चुका है लेकिन अभी भी इसका ग्लेस बहुत अच्छा है। तो इसका 2 सेट है, ये वाला, एक ये है और ये है, ये भी बहुत पुराना है, ये भी 1 साल मतलब बड़ा है, ये भी मैं खरीदती लेकिन बड़ा है, मैं इसकी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। एक ये है और एक कहाँ गया वो, हाँ एक ये वाला है, एक ये है। ये इयर रिंग शायद 3 साल हो रहा है, 2.5 साल के 3 साल हो रहा है। ये एक्चुअली मेरी एक भगनी जो नेहा मेरा ब्लॉग में भी है, वो नेहा का शादी का टाइम में मैं ये इयर रिंग खरीदी थी लहंगा में पहनने के लिए। एक ये इयर रिंग है और कहाँ गया, हाँ उस इयर रिंग के साथ एक ये मांग टिक्का मतलब जो टिकली बोलता है, ये है, कैसी लग रही हूँ। एक ये है, एक्चुअली मैं ये सब लगाती नहीं हूँ, ये शादी के टाइम में ठीक लगता है। और नेहा का शादी का टाइम में मैं लहंगा के लिए एक सेट खरीदी थी, ये है बड़ा बाजार से मिली थी कोलकाता का, 450 में ली थी मैं ये। ये बहुत ही हैवी है कि ये सब लहंगा में ही अच्छा लगेगा। एक ये गला का सेट ली थी लहंगा में पहनने के लिए, मैं पहनी भी थी एक ही टाइम मतलब 2 साल पहले ली थी, 3 साल हो रहा है, एक ही बार पहनी हूँ। और इसका इयर रिंग ये है, ये भी बहुत बड़ा है इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। ये भी, ये इसका इयर रिंग है। और एक कहाँ है, एक ये इयर रिंग है, ये मेरी दीदी जो है मजली वाली दीदी वो मुझे गिफ्ट की थी, ये छोटा में एक ये इयर रिंग है। और कहाँ, हाँ और वो जो मैं सेट जो
चौड़ा वाला सेट दिखाई थी ये उसका मन था। गाइस मैं ये सब पहनती नहीं हूँ, मुझे बहुत ऑड लगता है। और मेरा एक छोटा में ये है सेट, ये थोड़ा फेड हो गया है इसका रंग, क्योंकि इसको बहुत पहनी हूँ, मतलब सिर्फ मैं नहीं मेरे भगनी लोग भी बहुत पहना है इसको। गाइस इसको बहुत उजला गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये है ये कलम ऐसा चीक टाइप का रहता है। ये मैं बहुत पहनी हूँ, सबको ही बहुत पहना है। तो गाइस आप लोगों को मेरा कौन सा ईयरिंग और कौन सा सेट पसंद आए तो आप मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग बताइएगा। तो और ये एक है जो बड़ा बहुत उलझा गया है, इसको क्या करूँ। तो गाइस ये एक सेट है, देखिए ये भी बहुत पुराना है, ये सिंपल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मल्टी कलर में किसी के साथ भी मैं कैरी कर सकती हूँ। ये मेरी बड़ी वाली दीदी वो पूरी गई थी घूमने तो वो मुझे गिफ्ट की थी। तो गाइस आप लोगों को मेरा ईयरिंग कैसा लगा और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को मैं बोली हूँ, अगर मुझे प्लीज़ मुझे भी चैनल को मोनेटाइज कराना है दोस्तों तो मेरा ब्लॉग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल में नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, आगे मुझसे रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। और गाइस मुझे आप लोगों का हेल्प का बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ है, और मेरा चैनल जब भी मोनेटाइज होगा दोस्तों मेरा यूट्यूब का तरफ से जब पहला पेमेंट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों का साथ शेयर करूंगी। और यूट्यूब का गाइडेंस का है कि मैं कितना मिलता है वो बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं इनडायरेक्टली ज़रूर बताऊंगी। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं सबसे पहले भगवान को प्रसादी चढ़ाऊँगी, और उसके बाद अगर किसी को मतलब इसे अगर आप लोग मुझसे मिलने आइएगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर पार्टी सरप्राइज करूँगी। मेरा जितना भी मिलेगा मेरा ये पहला पेमेंट मैं उतना में ही थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज पार्टी रखूँगी ज़रूर, आप लोगों ने मुझसे मिलने आइएगा। तो मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए दोस्तों मुझे हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहुत मजबूरी से टाइम निकाल के मैं ब्लॉग बनाती हूँ, पता नहीं मुझे ये आइडिया नहीं मिलता है किस टाइप का ब्लॉग बनाऊँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। शुरू से मैं बहुत शर्म लगता था और अभी आस्ते आस्ते ही सब ठीक हो जा रहा है, और आप लोगों का साथ प्यार भरोसा रहेगा तो आगे मैं अच्छा मुकाम तक पहुँच जाऊँगी। तो दोस्तों ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मदद जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।